हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है, अगर आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है। आप जिस भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप UIDAI के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाता है, इस पॉपअप को क्रॉस के बटन पर क्लिक करके हटा देंगे। हटाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है गेट आधार। इस पर क्लिक करेंगे, गेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र। जो भी सरकारी आधार सेवा केंद्र है उस पर ही आप अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ से उस आधार सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र। अगर आप किसी प्राइवेट जैसे कि CSC NSDL के द्वारा ही अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सरकारी आधार सेवा केंद्र से अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी मेरा नजदीकी आधार सेंटर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन देता है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको साइड में कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने मोबाइल नंबर को टाइप किया था उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट एनरोलमेंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है अपडेट एक्साइटिंग आधार डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर। आप जिस भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं उसका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे सही तरीके से टाइप कर लेंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेम ऑन आधार। जो भी आधार कार्ड पर नेम है उसको यहाँ पे सही तरीके से टाइप कर लेंगे। नाम को टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी को भी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू मोबाइल नंबर, जो भी आप अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी, जो भी आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है वेरीफाई, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप किया था उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी जीमेल आईडी वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रीव्यू का पेज ओपन होकर आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया था वो सारी डिटेल्स को यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर आपके इनमें से कोई भी डिटेल्स गलत हो जाती है तो यहाँ पर बैक टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस डिटेल्स को सही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो भी डिटेल्स को टाइप किया था वो एकदम सही है, तो यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स, इसके नीचे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्टेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपके स्टेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट सिटी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट ब्रांच, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी ब्रांच है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे,
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट ऐप। यहाँ पर आपको दो तरीके पेमेंट ऐप देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है कैश, अगर आप इसका पेमेंट कैश से करना चाहते हो तो यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन से करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, आप जिस भी डेट को अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक कराना चाहते हैं उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको टाइमिंग देखने के लिए मिल जाती है, आप जिस भी टाइम अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं उस टाइम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन देख सकते हैं, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपने आधार सेंटर को सिलेक्ट किया था उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआई वॉलेट क्रेडिट कार्ड से आप इसका भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और वॉलेट यूपीआई नहीं है तो इसका आप पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पेमेंट यूपीआई से करना चाहता हूँ तो यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूपीआई के काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप जिस भी यूपीआई के थ्रू इसका पेमेंट करना चाहते हो उस यूपीआई को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फोन पे से इसका पेमेंट करना चाहता हूँ तो फोन पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोन पे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है एंटर यूपीआई आईडी, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। यूपीआई आईडी टाइप करने को वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने यूपीआई आईडी को टाइप किया था उस अकाउंट में जो भी नाम पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन फोन पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड बाय, इसके नीचे आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ, जो भी उसका चार्ज है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर इसका पेमेंट करने के लिए पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी 50 रुपए का चार्ज है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, और जो भी आपने आधार सेंटर को सिलेक्ट किया होगा उसमें आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। आप उस डेट और टाइम में जाकर आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को चेंज करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।